अब हम डिलीट की फंक्शनलिटी को चेक करते हैं। डिलीट की फंक्शनलिटी के अंदर यहाँ पे जो हमने व्यू किया था, यहीं पे मैं अगर एक और इसके साथ ऐड कर देता हूँ एडिट, और एडिट के साथ ही मैं यहाँ पे स्पेस भी देते हैं हम एम्परसेंड एन बी एस पी नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है जी, एम पर दो स्पेस दे देते हैं एन बी एस पी, दो स्पेसेस के बाद यहाँ पे डिलीट करें ये, ठीक है। या तो मैं कैटेगरी एडिट के अंदर ये हैंडल कर सकता हूँ, कैटेगरी एडिट सर्वलेट में कहता हूँ मैं जी कैटेगरी आई डी इज इक्वल टू दिस और एक्शन इज इक्वल टू डिलीट, ये भी काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी एक्शन इज इक्वल टू, सॉरी एक्शन डिलीट एम्परसेंड कैटेगरी आई डी इज इक्वल टू दिस, एक ये ऑप्शन है, और दूसरा ये है कैटेगरी डिलीट सर्वलेट आप अलहदा बना लें, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अब फिर उस केस में हमें एक्शन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप दोनों काम इसमें कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कैटेगरी एडिट सर्विस फ़िलहाल उसी के ऊपर लेके जाते हैं, या चलिए इसको हमने इकट्ठा तो करना ही है, ये हम बाद में कर लेंगे। तो मैं इसके लिए नया सर्वलेट बना देता हूँ, कैटेगरी डिलीट सर्वलेट, कैटेगरी डिलीट सर्वलेट, और ये इसकी आईडी है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा व्यू में ये डिलीट को, तो ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कैटेगरी डिलीट के साथ। अब हम एडिट सर्वलेट की जगह अब हम बनाएंगे कैटेगरी डिलीट सर्वलेट, दोनों दो ऑप्शन है, इसको ही चेंज कर लें, कॉपी कर लें या न्यू बना लें। सो जस्ट लेट मी डू दिस, कैटेगरी कैटेगरी डिलीट सर्वलेट, तो ये मेरा कैटेगरी डिलीट सर्वलेट है। तो यहाँ पे हम ये काम करेंगे, ऐसा कुछ काम नहीं करना हमने, फॉर नाउ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कैट आईडी, ये रिक्वायर्ड है, और ये कहाँ पे हमें चाहिए इंट कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, तो ये हमें ये आईडी मिल गया। इसके बाद हम कहेंगे जी सर्विस डॉट डिलीट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी जो आपने इसको ये किया कैटेगरी ये डिलीट हो, और देन रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट कहाँ जाएगा कैटेगरी व्यू सर्वलेट, इसके ऊपर ये रीडायरेक्ट कर दे सेव होने के बाद, डिलीट करने के बाद। सो लेट सी दिस, बल्कि नया सर्वलेट ऐड किया, जब भी आप नया स्ट्रक्चर चेंजेस करेंगे तो देन आप यहाँ सर्वर को चेक कर लें, वो कहेगा रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है स्ट्रक्चर चेंजेस। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम जब आता है तो ये होगा, ये देखिए कैटेगरी डिलीट सर्वलेट, मुझे यहाँ पे दो सर्वलेट एक नाम से नहीं हो सकते, मैंने क्यों कॉपी किया था कोड तो उससे ऊपर वही चीज़ कर दी कैटेगरी डिलीट सर्वलेट, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना, जब भी आप एक फाइल कॉपी करके दूसरी बनाते हैं तो आपको ये एरर आएगा, आपने ये चीज़ें चेक करनी है। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ इस पे दोबारा व्यू पे, मैं अपना रिकॉर्ड बना के वही डिलीट करूँगा, क्योंकि ये करंटली हम डिलीट नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, ये रिकॉर्ड मैंने बनाया था, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये देखिए डिलीट होने के बाद वापस भी आ गया कि जी जी ओके। अब दोबारा दूसरा चेक करें यहाँ पर रिफ़्रेश करके, तो ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ये आपका डिलीट हो गया। अब आप ज़रा एक बार हम फिर करते हैं इंडेक्स डॉट जी एस पी पे एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं, आईडी मैं इसको 65 दे रहा हूँ, कैटेगरी नेम एबीसी दे रहा हूँ, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन टेस्ट दे रहा हूँ। तो अब सेव किया मैंने इसको, कैटेगरी सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे भी आप कैटेगरी सेव सक्सेसफुली हम व्यू के पेज पे इसको ला सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कैटेगरी व्यू सर्वलेट, ये न्यू कैटेगरी आ गई, आप इसको एडिट करें, एडिट करके ए बी सी डी ई एफ कर दें,
एक्स वाई जेड कर दें इसको, ये अब टेस्टिंग हम कर रहे हैं, देन सेव पे क्लिक करें, ये रिकॉर्ड चेंज भी हो गया है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड आपका चेंज हो गया है। अभी हम इसी को डिलीट करना चाहें तो डिलीट होकर रिकॉर्ड वापस भी आ गया, देन यू कैन चेक इट कि ये चीज़ें सारी वापस आ चुकी हैं। सो आपने ये सॉरी डिलीट हो चुका है। तो ये आपने देखा कि हमने अभी तक किस तरह क्रूड ऑपरेशन जो हमने JDBC में किए थे उसको सर्वलेट के साथ हम अब अटैच करके ये चीज़ें देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ ऊपर मेन्यू बना के, मेरी ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने अब ये मेन्यू बनाएं, और मेन्यू बनाने के बाद आप इसको जो है ज़रा गेट टू इसका सारी चीज़ों को एक ही पेज पे यानी एक ही कंट्रोल के थ्रू इसको हैंडल करें। सो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि असाइनमेंट आपने अभी करना क्या है। सो लेट मूव टू नेक्स्ट वीडियो।